Hello everyone, this is time for the new chapter, class 7th, functions and formulas in MS Excel, or we can say in Calc in Linux. तो आज हम देखेंगे कैसे हम calculations functions use करते हैं और formulas use करते हैं Calc के अंदर. तो it's very easy. सबसे पहले आप समझ लीजिए, बहुत आसान chapter है. मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर आपको बताऊंगा, जो चीज़ आप एमएस एक्सेल में करते हो वो सेम चीज़ कैल्क के अंदर भी होती है. तो हम सबसे पहले आपको एक्सेल के अंदर मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज़ करेंगे. उसके लिए हम सबसे पहले एक डेमो टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम 5 बच्चों के नाम लिखेंगे और उनके 5 सब्जेक्ट और उनकी टोटल और परसेंटेज निकालेंगे. तो हम कैसे टोटल का निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और कैसे हम ये सारा कुछ करेंगे, वो आप ध्यान से देखें और समझें. एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे, देन यू विल बी क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट्स एक्सेल इज ऑल अबाउट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी विल स्टार्ट एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल में मैं सबसे पहले आपको बेसिक्स बता देता हूँ. ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे हैं कॉलम्स, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके रोज. अब हम इसके अंदर सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे कैसे फॉर्मूलाज को हम इंसर्ट करेंगे. बस लिखेंगे आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 100 भी आप दे सकते हैं. तो अभी हम देते हैं 23 यहाँ पर. आप देख सकते हैं परसेंटेज यहाँ पर बहुत छोटा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है. सो एच और आई के बीच में जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इट विल एक्सपेंड ऑटोमेटिकली, द कॉलम विल गेट इट्स ओरिजिनल साइज टिल द टेक्स्ट इज. देखिए अब दिख गया. अब हम यहाँ पर टोटल परसेंटेज मैक्स मिनिमम कैसे निकालेंगे. ओके, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला की. अगर मुझे यहाँ पर टोटल करना है तो हम यहाँ पर तीन तरीके से समझेंगे. सबसे पहला है बेसिक फॉर्मूला, जो कि है व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जब भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कॉर्नर के अंदर यहाँ पर आपको उस सेल का एड्रेस नज़र आएगा, यानी एफ कॉलम है और फिफ्थ रो है, तो यानी F5, हियर यू कैन सी F5. सो आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा. आपने इक्वल टू साइन लगाया, अब आप सबसे पहले इस 23 से लेकर आपको 89 तक क्लिक करना है, ऐड करना है. तो 23 को क्लिक किया, आपने क्या लिखा हुआ आया B2. अब यहाँ पर आप प्लस का साइन लगाइए. नाउ क्लिक ऑन 34, अपने आप क्या आ गया C2, देन प्लस का साइन लगाइए, देन 54, देन प्लस का साइन, देन अगेन क्लिक ऑन 34, देन साइन प्लस साइन, देन द लास्ट 89 जहाँ पर हमारे मार्क्स हैं कंप्यूटर के, क्लिक करें. सो वी कैन सी इक्वल टू के बाद में B2, C2, D2, E2 और F2 लिखा हुआ गया, राइट. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रेस एंटर. तो ये हो गया आपका टोटलिंग. इन पांचों सब्जेक्ट्स का टोटल हो गया 234. ये था पहला तरीका. दूसरा तरीका आप, मैं आपको बताता हूँ. एक होता है जो सेकेंड ऑप्शन होता है, वो होता है आपका आपका रेंज ऑफ सेल्स, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको अगर आपको एक साथ ऐड करना है तो रेंज ऑफ सेल्स भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. कैसे, द सेकेंड मेथड आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इक्वल टू प्रेस करें. हर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू लगाना पड़ेगा, उसके बाद में जस्ट टाइप SUM, देन ब्रैकेट, उसके बाद में 45 का सेल एड्रेस क्या है, क्लिक हियर ऑन द 45,
आपको दिख जाएगा यहाँ लिखा हुआ गया B3, देन कॉलन शिफ्ट के साथ में आप यहाँ पर दबाएंगे शिफ्ट के साथ में, तो ये कॉलन आ गया। उसके बाद में बीच वाले आपको कोई भी क्लिक नहीं करना है, जस्ट फर्स्ट एंड लास्ट। तो लास्ट इज 67 कंप्यूटर, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे बीच की रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब क्या लिखा हुआ है, B3 से लेकर F3, जस्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। तो ये देखिए, ये भी बहुत आसान तरीका है। तो आपने पूरा का पूरा आपने सेलेक्ट किया था रेंज और इसका टोटल आ गया। अब आप ऊपर देख सकते हैं क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सो हमने देखा कि कैसे हमने प्लस साइन का यूज़ लेकर हमने टोटलिंग किया है और सम का यूज़ लेकर हमने टोटलिंग किया है। नाउ विल सी द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटो सम बटन है। इट्स वेरी इजी, सिर्फ यू हैव टू गो टू द सेल वेयर यू वांट द टोटल ऑफ ऑल द सेल्स और नंबर्स, क्लिक हियर ऑन ऑटो सम, प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द आंसर। द थर्ड वन सबसे इजी है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको रेंज ऑफ सेल्स दिख जाएंगे। अब आपको अगर ये नीचे वाले में सब जगह कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, अब आपने एक में आपको सिर्फ मेहनत करना है। आप यहाँ पर कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आप प्लस साइन का यूज़ करके सम का रेंज का रेंज ऑफ सेल्स यूज़ करके, या फिर आपने ऑटो सम का यूज़ करके, तो आप तीनों ही तरीके अपना सकते हो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट को आप जैसे ही यहाँ पर माउस को लेके आएंगे, माउस कलर विल चेंज टू ब्लैक प्लस, जस्ट ड्रैग डाउनवर्ड्स दिस प्लस और सबका टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो ये बहुत इजी है ना। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि हम कैसे कंपाउंड परसेंटेज निकालेंगे, यानी कंपाउंड फार्मूला क्या होता है जो आपके चैप्टर के अंदर दे रखा है। कंपाउंड फार्मूला का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फार्मूले साइंस को यूज़ करना। इसमें तो हमने सिर्फ प्लस साइन को यूज़ किया था, अब हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई का साइन और डिवीज़न का साइन। अब समझ लो बच्चों, डिवीज़न किसका निकलता है, डिवीज़न निकलता है हमेशा टोटल का, तो परसेंटेज हमेशा टोटल की निकलेगी। तो हम यहाँ पर आएंगे परसेंटेज पे, हमेशा की तरह इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद में हम 234 आपका कौन सा सेल एड्रेस है, G2, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा, G2 किया। अब आप डिवाइड का साइन यहाँ पर, उसके बाद में आपको करना है G2 आपके कितने मार्क्स में से आए हैं, तो आपने डिवाइड का साइन यहाँ पर लगाया। उसके बाद में 234 आपके कितने मार्क्स में से हैं, तो यानी 100, 200, 300, 400, 500, यानी 500 में से इसके अजय के आए हैं 234, तो वी विल राइट हियर 500। उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर ये स्टार होता है कंप्यूटर के अंदर, देन जस्ट राइट 100। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, द सेल टोटल ऑफ सेल एड्रेस ऑफ द टोटल G2, देन डिवाइड साइन, देन हाउ मेनी मार्क्स, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स, देन 500, 2 सब्जेक्ट, देन 200, 4 सब्जेक्ट, देन 400, देन जस्ट राइट मल्टीप्लाई 100 एंड प्रेस एंटर, देन यू विल सी द परसेंटेज 46.8। उसके बाद में इसको आप ट्रैक कर दीजिए, देन यू विल गेट द ऑल द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो ये है आपका कंपाउंड फॉर्मूला। नाउ वी विल सी नेक्स्ट इज, आपको जो सीखना है वो है आप कैसे इसके अंदर आप फंक्शंस का यूज़ करोगे। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है ये आपके फंक्शंस ही हैं, यानी मैक्सिमम का मतलब क्या है, इन पांचों सब्जेक्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो यहाँ लिखे हुए आ जाएं। उसके लिए सेम सम की तरह ही यूज़ करना है आपको, जस्ट राइट इक्वल टू, देन राइट SUM MAX मैक्स, देन ब्रैकेट, देन प्रेस 23 का आपने सेल एड्रेस पे क्लिक करो 23, देन सेम, देन कॉलन, उसके बाद में यहाँ पर कॉलन लगाने के बाद में 89 जो कंप्यूटर का मार्क्स है वहाँ क्लिक कर दो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो आप देख सकते हो जो मैक्सिमम इस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे वो 89 यानी कंप्यूटर के अंदर। अब आप इसको ड्रैग कर दो, जिन बच्चों के जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ये देखो, यानी 78 इसके अमन के इंग्लिश हिंदी में आए, 98 साइंस के अंदर है अक्षय के,
89 है, साइंस के अंदर 78, साइंस के अंदर विजय के। इससे अब ऐसे ही आप मिनिमम कर सकते हैं, इक्वल टू MIN देन ब्रैकेट देन 23 देन सेमी कॉलन कॉलन एंड देन 89 अगेन देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो यह मिनिमम में सबसे कम वाले आ जाएंगे, एंटर कर दीजिए और जैसे ही आप ब्रैक करेंगे यू विल गेट ऑल द मिनिमम वैल्यूज। तो ये कहलाता है आपके फंक्शंस। आपको सारे फंक्शंस या इंसर्ट फंक्शंस में भी जाके भी आप कर सकते हो। सो यू विल व्हेन यू क्लिक दिस वन सम एवरेज इफ हाइपरलिंक सो मैनी बट वी विल डू ओनली सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम। सो आपको यही करना है। अभी आपने मैक्सिमम और मिनिमम किया, दैट्स वी ऑल वी नीड हियर टू डू इट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हम देखेंगे तीन तरह की रेफरेंसिंग कौन सी होती है। सबसे पहले है रिलेटिव रेफरेंसिंग। आज हम समझेंगे रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में। इट्स वेरी इजी। यहाँ पर गए, आपने ऑटो सम फीचर को यूज़ किया, क्लिक किया, एंटर किया, ये 4 आ गया। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर आंसर आ गया। इसको ड्रैग करो और ये हो गया आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग। यानी इट्स वेरी इजी, सिर्फ दो नंबरों को ऐड करना हो और इधर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपने सिंपल यहाँ पर आपने यूज़ किया और आंसर आ गया। देन नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब मान लीजिए ये नंबर्स हैं और ये एक वैल्यू है जो आपको इन नंबर्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तब आप कैसे करोगे? वॉच इट। हम यहाँ पर कहीं पर भी एक जगह लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ध्यान से देखना बच्चों कैसे करना है। हम यहाँ पर आए, उसके बाद में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। यहाँ पर हमको डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। डॉलर साइन कैसे लगाना है? सबसे पहले इक्वल टू लगाइए, उसके बाद में 2 पे क्लिक करें, पहले सेल पे A3, उसके बाद में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद में इस 2 को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डॉलर साइन। तो जो 4 होता है कीबोर्ड पे, उसको शिफ्ट के साथ में दबाएंगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर, इसका सेल एड्रेस है C15, तो यानी आपने यहाँ पर लिखा C, उसके बाद में डॉलर का साइन, उसके बाद में 15। तो जैसे ही आपने ये लिखा, ये देखिए चारों तरफ इसके बॉक्स आ गया है। तो अब आपको प्रेस एंटर करना है और ये देखिए 4 आ गया, यानी 2 × 2 = 4। अब आप ऐसे ही ड्रैग करेंगे तो ये देखिए 5 में ये 10 आंसर आएगा, यानी 5 × 2 = 10। तो ये 5 और ये 2, तो यहाँ पर आ गया 10। ऐसे ही 4 × 2 = 8। ये कहलाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब हम समझेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग कैसे यूज़ किया जाता है। आपने देखा था एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर सिर्फ इस 2 को यूज़ किया और यहाँ पर सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। इसमें आपका ये और ये नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन अब आप मिक्स्ड रेफरेंसिंग में कैसे देखेंगे, आपको एक, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ डिफरेंस हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर इसको और इसको माइनस करना है, लेकिन हम अलग तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू, उसके बाद में हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे डॉलर का साइन, तो हमने यहाँ किया डॉलर, और ये था C4, तो हमने यहाँ पर लिखा C, और उसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ पर 4। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाउंड्री आ गई। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा माइनस, और उसके बाद में हमने लिखा, हमको 5 का सेल एड्रेस लिखना है। 5 का सेल एड्रेस है, 14th रो है ये और कॉलम सी है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अब हम यहाँ पर सी के आगे, सी के पहले डॉलर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे नंबर के आगे डॉलर और 14। 14 क्यों लिखा? क्योंकि ये रो 14th है। जस्ट प्रेस एंटर, ये माइनस थ्री कैसे आया? 2 में से -2 - 5 किया तो -3। ऐसे ही हम 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा, 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा। जस्ट ट्रैक डाउनवर्ड्स, तो आप देख सकते हो इस तरह से ये माइनस करते ही आंसर आ गए। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है,
फॉर्मूले के अंदर कि पहला सेल के अंदर अल्फाबेट के आगे आपको कॉलम के आगे डॉलर आएगा और दूसरे वाले जब आप माइनस करोगे तो रो के आगे डॉलर साइन आएगा, पहले डॉलर साइन आएगा. सो दिस इज द वे यू कैन डू थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग. अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि हम कैसे दूसरी शीट में से कॉपी करके फॉर्मूला दूसरी शीट पर डाल सकते हैं. वो देखिए, ये है हमारी शीट 5 जिसमें ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये हमारी शीट 6. अब हम चाहते हैं कि हम कैसे फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं दूसरी शीट से. अब मान लीजिए ये ऐड है, मैं यहाँ पर इस ऐड 2 को इस शीट 5 के 2 से ऐड करना चाहता हूँ. शीट 6 के इन नंबर्स को मुझे ऐड करना है इन नंबर से. कैसे करेंगे, वॉच इट. यहाँ पर गए, इक्वल टू दबाया, उसके बाद में आपने क्लिक किया इसको, यानी ये सेल एड्रेस हो गया C5. C है कॉलम और 5 है रो. उसके बाद में आपने यहाँ पर किया प्लस और उसके बाद आप सीधा चले जाओ शीट 5 पर. शीट 5 पर जाकर आपको 2 को प्रेस करना है बस. उसके बाद शीट 6 में आ जाइए और आप जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ 6 की जगह यहाँ पर होगा 5, क्योंकि आपको शीट 5 लेना है. एंटर कर दीजिए, ये 4 हो गया. अब इसको ड्रैग कर दीजिए. तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 और शीट 5 का 2 मिलकर क्या हो गए, 4 हो गए. ऐसे ही हम 10, कैसे आया ये 7 और शीट 5 का 3 मिलकर हो गया 10. इस तरह से सारे नंबर्स ऐड हो गए. तो ये था आपका सेल रेफरेंसिंग फ्रॉम अनदर स्प्रेडशीट. अब दूसरा एक तरीका है कैसे हम फॉर्मूलाज कॉपी करते हैं. अगर हम शीट टू में जाते हैं और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और शीट 6 में आकर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स का टोटल यहाँ पर हो गया. तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट का यूज़ कर भी हम फॉर्मूलेस कॉपी कर सकते हैं. तो कैसे, आपने देखा शीट 2 में से जाकर मैंने कॉपी किया और शीट 6 में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया. तो ये दो तरीके हैं. एक और टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, एरर्स कौन कौन सी आती है जब आप कैलकुलेशंस करते हो, फॉर्मूलाज लगाते हो एक्सेल के अंदर. तो आइए देखते हैं. जैसे आप देख सकते हैं पहला वाला है हैश. हैश कब आता है, जब आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे 200 में कोई भी हैश नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हैश आया. आप देख सकते हैं ऊपर कितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो इस कॉलम के अंदर नहीं आ पा रहे, इसलिए वो हैश बता रहे हैं. जैसे आप क्लिक करोगे, यू कैन सी द नंबर्स ऑन द टॉप फार्मूला बार. एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप करते हैं, बहुत सारे नंबर टाइप कर देते हैं, फिर एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे हैश आ गया. इस तरह से ये एक एरर है जो हमको सिर्फ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इट्स हिडन नंबर्स, लेकिन नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहे. नेक्स्ट है जब वैल्यू आ जाती है. वैल्यू कब आ जाती है, जैसे मान लीजिए हमने इन चारों को ऐड किया, लेकिन ये तो टेक्स्ट है, तो हम कैसे करेंगे. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ इक्वल टू साइन लगाया, हमने इसको ऐड किया, फिर प्लस साइन लगाया, फिर हमने इसको ऐड किया, फिर प्लस साइन लगाया, फिर हमने इसको ऐड किया, फिर प्लस साइन लगाया, और फिर हमने टुडे को ऐड किया. जैसे ही एंटर करेंगे तो ये वैल्यू लिखा हुआ आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारा एरर. ये एरर 509 बहुत कम आता है, लेकिन अगर आपने सही ऑपरेटर्स यूज़ नहीं किए हैं तभी आएगा. इसके अंदर जब फॉर्मूलाज गलत लग जाते हैं तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. नेक्स्ट इज डिविजिबल बाई ज़ीरो. अगर ये आप देखें तो समझ जाइए आपने किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया. जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ और ये 0 है. अब मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाकर मैंने 9 को सेलेक्ट किया, फिर डिवाइड का साइन लगाया और फिर इसको क्लिक कर दिया 0 को, और जैसे ही एंटर करूँगा तो ये क्या आएगा, DIV डिविजन डिविजिबल बाई 0. तो ये एक एरर है. तो ये चार तरह के एरर्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं. इसी तरह से आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे अगर आपने डे लिख के टुडे लिखा तो आपका आज की तारीख बता देगा. ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है दैट यू कैन ट्राई इन योर MS Excel और ओपन ऑफिस कैल्क. किसी को भी डबल क्लिक कर आप यहाँ पर शीट्स के नाम चेंज कर सकते हो. तो ये था तरीका आपका कैसे आप अलग अलग टाइप से आप फॉर्मूलेस को यूज़ करते हो. तो अब हमने जाना कैसे हमने फंक्शंस को यूज़ किया, कैसे हमने अलग अलग टाइप से फॉर्मूलोज को यूज़ किया, कैसे हम अलग अलग टाइप की रेफरेंसिंग को यूज़ किया. तो बेसिकली
ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप प्रैक्टिस करें इसकी अपने एमएस एक्सेल पर और आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आप इन फॉर्मूलाज के एग्जांपल्स को देखिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करके देखें तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो होप यू लाइक दिस चैप्टर 3 यूजिंग फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन कैल्क। सो वी विल मीट अगेन और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स और यू कैन व्हाट्सअप ऑन माय पर्सनल विंडो एंड मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। So, till then, goodbye from now. Good day, everyone.